हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? प्यासी नेचुरल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँ वो सब आपको मिले। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो मैट लिपस्टिक होती है उसे उसकी क्या ट्रिक्स होती हैं यूज़ करने की, उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या सही वे है और क्विकली कैसे हम करें और अच्छा सा मैट फिनिश आए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना आए, सही से यूज़ हो। तो सबसे पहले आपके लिप्स स्मूथ होने चाहिए, एज लाइक कि जब ये स्मूथ होंगे तो अच्छे से फ्लो से इस पर लिप का सेड आएगा, फ्लो लगेंगे, ग्लॉसी लगेंगे। तो सबसे पहले आपके लिप्स ना स्मूथ होने चाहिए। तो उससे पहले स्मूथ करने के लिए आपको जब भी अभी मैं आपने पूरा फेस का मेकअप कर लिया है, देन उसके बाद में आप लिप सेड लगाने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ब्रश की ये टूथब्रश ले लीजिए और उसकी मदद से ये अप्लाई करिए लिप्स, और हल्का हल्का ऐसे 15 to 20 सेकेंड इसको स्मूथ कर लीजिए। जैसे आपके ड्राई लिप्स हैं और ड्राई लिप्स हैं तो ड्राई लिप्स को सेटल करने के लिए, क्योंकि उन पर एकदम से शेड्स लगाते हैं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऑन एंड ऑड एंड इवन तरीके से पेस्ट होता है, तो ऐसे करके कर लीजिए। देन जो 15-20 मिनट हो जाए तो आपके लिप्स ये देखिए स्मूथ, एकदम स्मूथ हो जाते हैं, ये स्मूथ हो जाते हैं। देन स्मूथ होने के बाद में आप टूथब्रश को रख दीजिए। देन आप लिप बाम, कोई भी लिप बाम यूज़ कीजिए, जैसे मैं ये लिप लाइट का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा लिप बाम यूज़ करने के बाद में अपने लिप्स पे मैट फिनिश देने के लिए लिप बाम यूज़ करिए, और लिप बाम यूज़ करने के बाद में इसे एक मिनट या दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तब आपके ग्लॉसी सा लुक आएगा और आपकी जो मैट फिनिश है वो एकदम परफेक्ट शेप में आएगा और बहुत ही सुंदर आपके लिप्स रहेंगे, पाउट वाला लुक आएगा। एक तो लिप्स पे सेड लगाने से, स्टिच लगाने से आपका पाउट लुक आता है, ये तो है, लेकिन आपके जब ग्लॉसी लिप्स होते हैं, स्मूथ होते हैं, तो लिप्स का सेड बहुत ही औसम आता है। तो जब आपका 1 या 1.5 मिनट हो जाए, देन अगर आप मैट फिनिश यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं कलर बार की ये वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मैट फिनिश है और ये मुझे मिली थी 990 में। तो इसमें ये ऐसे नोड आता है, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे नोड आता है। तो ये जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ऐसे अप्लाई कर देते हैं, बट नहीं, ऐसे देखो दो वे हैं यूज़ करने के। सबसे पहले लोग ऐसे अप्लाई करते हैं तो ये इतना चौड़ा आएगा, अगर हम इसकी नोक से ऐसे लिप लाइनर की तरह काम करेंगे तो ऐसे पतला आएगा, ये देखिएगा इस। तो हम क्या करेंगे, एक बार ही लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो मैं इसे सबसे पहले मैं इसके लिप्स की लिप लाइन बना लूँगी, मैंने नोट से इसकी लिप लाइन बना ली और अंदर भी थोड़ा बहुत कलर लगा है तो लग जाने दीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। देन अंदर जो भी फिलिंग करनी है, अब आप बहुत आराम से कर सकते हो, आपकी कोई भी आउटलाइन नहीं निकली है, आपकी परफेक्ट शेप आया है, नो आउटलाइन, पाउट वाला लुक देना चाहते हैं पाउट वाला लुक दे दीजिए, और ये आपकी मैट फिनिश लिपस्टिक लग गई है। देखिए मेरा परफेक्ट शेप आया है, और ये बहुत ही प्रिटी लग रही है। आई लव दिस लिपस्टिक। थोड़ा एक्सपेंसिव है गाइस, बट ये मुझे बहुत पसंद है, मैं किसी भी शादी फंक्शन में जाती हूँ तो देन मैं ये यूज करती हूँ। सो गाइस आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ ट्रिक,
कभी भी लिप्स जब मैट लिपस्टिक आप यूज करें तो इसको लेके बार बार ऐसे टैप टैप ना करें, तो फिर ऑड एंड इवन तरीके से सो होती है। अगर बार बार टैप इधर टैप कर लिया इधर टैप कर लिया, नो ऐसे कभी ना करें। सिंगल टाइम में अपनी ये नोब निकालें और पहले आउटलाइन बनाएं इस नोब से, और आउटलाइन बनाने के बाद में फिर उसी एक बार के सेड से ही आप अंदर की फिलिंग करें। और अंदर की फिलिंग करने के बाद में अगर किसी का वो भी जैसे जिसके बहुत ही ग्लॉसी लिप्स होते हैं तो उनके पे तो पतला सा भी सेड लग जाए तो सेटल हो जाता है, पर जिनके बहुत ज्यादा खुरदरे होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं, तो वो क्या करें, उनके लिए एक ट्रिक है। उनके लिए ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो देन आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और अपने लिप्स पे ऐसे लगा के, और देन उसको लिप्स तो आपका बिल्कुल लिप्स पे ऐसे करके लगा के अंदर, और दोनों लिप्स को ऐसे बंद कर लीजिए और उस टिश्यू पेपर को फेंक दीजिए, तो आपको परफेक्ट शेप में मैट फिनिश आ जाता है। ये एक ट्रिक है जो बहुत ही अमेजिंग है, आप करके देखिए। और मैंने तो ये बिना उस, क्योंकि मेरे बहुत ही स्मूथ लिप्स हैं, तो मेरा सेट विदाउट एनी थिंग, कोई ट्रिक एंड ट्रिप के नहीं। जिनके बहुत कम ड्राई हैं तो वो इससे भी अपने लिप्स को लिपस्टिक लगाने से पहले स्मूथ कर सकते हैं गाइस। तो ये बहुत ही नेचुरल है, आप यूज करके देखिए। ये देखिए मेरे लिप्स का सेट कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही क्विकली मैंने लगाया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ब्रश करिए, लिप बाम लगाइए, एक सेकंड के लिए उसे छोड़ दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ नोब से अप्लाई करिए, अंदर भर दीजिए, फिर पूरे उससे पूरी लिप्स के से नोट से। सो गाइज ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, और आपको तो पता ही है कि मैट फिनिश आज के टाइम में कितना यूजफुल है और कितना ही हॉट लगता है, तो आप इसको यूज करिए, ये है बेस्ट एंड ब्यूटीफुल टिप। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटू सा बेल आइकन है उसको भी दबाइए, जिससे कि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो सब आपको मिले। बाय बाय, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, बाय।